सो फाइनली वन प्लस यूएस के लिए इंतजार हुआ खत्म। मैंने जो है एक पोस्ट किया था जिसमें आपको ऑक्सीजन ओएस 15 वर्जन का यहाँ पे बताया था कि अगर आपको मिला है तो इस अपडेट को अभी आपके फोन पे इंस्टॉल नहीं करना है। ओके, क्यों नहीं करना है वो हम इस वीडियो पे डिस्कस करने वाले हैं। जो मेरे पोस्ट को देखा था और वो मेरा बात को समझ गया था कि ये भी जो अपडेट कितने अभी मना कर रहा है, सो अगर वो अपडेट नहीं किया था सो वो जो है बहुत ही अच्छा काम कर चुका है। लेकिन उन लोगों का बात करें जो है मेरा पोस्ट को इग्नोर किया था, शायद देख के या फिर सोचा था कि इसे कुछ शायद नहीं होगा, लेकिन अगर वो अपडेट किया था सो आज मैं यही कहना चाहूंगा उसको कि वो शायद रो रहा है। क्योंकि गाइस यहाँ पे ढेरों सारा प्रॉब्लम के बारे में आपको बताने वाला हूँ इस न्यू अपडेट के बारे में। ये एंड्रॉइड 15 जो आया है ये बहुत ज्यादा इरिटेटेड है, मैं तो यही कहूंगा। क्योंकि हमें क्या चाहिए, हम जो है फोन पर अपडेट करेंगे क्यों करेंगे, उसमें हमको बेनिफिट होना चाहिए, हमारा फोन फास्ट होना चाहिए, हमारा फोन पे न्यू फीचर्स ऐड होना चाहिए, हमारा फोन यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम हो रहा था उस चीज को यहाँ पे सही होना चाहिए। लेकिन बिल्कुल उसके उल्टा है ऑक्सीजनओएस 15 के अंदर। ये बीटा 1 करके आपको देखने को मिल सकता है आपके डिवाइस में। फोन का सेटिंग है वहां पे आना है, अबाउट है वहां पे आना है। ओके, 3 डॉट जो देखने को मिलेगा वहां पे क्लिक करके इसे बीटा करके देखने को मिल जाएगा, या फिर डायरेक्ट आपको फोन पे देखने को मिल सकता है। सो वहां पे अगर आपको देखने को मिल रहा है सो आपको इस अपडेट को अभी अपने फोन पे इंस्टॉल बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि अगर आप इंस्टॉल कर दोगे सो बुरी तरीके से आप फंस जाओगे, क्योंकि यहाँ पे ढेरों सारा ऐसा प्रॉब्लम है इस न्यू अपडेट पे जो कि आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि देखो ये एक जो है सिर्फ वन प्लस का ही नहीं, जितने सारे अलग अलग कंपनीज है हर एक जो है कंपनीज के साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है। जो भी न्यू अपडेट रिलीज कर रहा है उसमें ढेरों सारा प्रॉब्लम के साथ वो अपडेट जो है आ जाता है, वही है यहाँ पे वन प्लस में भी। लेकिन आपको घबराने का कोई बात नहीं है, मैं हूँ यहाँ पे। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपको सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना है, क्योंकि वन प्लस का हर एक अपडेट हर एक न्यूज आपको टाइम से पहले आपको सबसे पहले मैं ही देता हूँ। सो इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। सो गाइस यहाँ पे बात कर लेते हैं ऑक्सीजनओएस 15, यहाँ पे एंड्रॉइड 15 के नाम से भी जाना जाता है। एंड ये है बीटा वर्जन पे डिवाइस है वन प्लस 12 एंड वन प्लस ओपन। OnePlus 12, OnePlus Open आपको इन्हीं दो डिवाइस पे अभी जो है बीटा वर्जन पे एंड्रॉइड 15 वर्जन जो है देखने को मिल सकता है। ओके, क्यों मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे रिलीज कुछ डिवाइस में हो चुका है, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम अभी जो है शेयर कर रहा है। सो इसलिए अगर आपको नहीं मिल रहा है सो कोई टेंशन नहीं, आपको वेट करना है। जिसको भी मिला है आपको इंतजार करना है, इंस्टॉल नहीं करना है, क्योंकि काफी ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम अभी आ रहा है। सो यहाँ पे क्या क्या इश्यूज आपके देखने को मिलेगा अगर आप इस अपडेट को इंस्टॉल करते हैं सो एक नजर ये भी इसमें भी डाल। जो प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकता है वो है ब्लूटूथ के लेके, यानी ये ब्लूटूथ कनेक्शन पे आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है अगर आप इस अपडेट को इंस्टॉल करते हैं। एंड दूसरा है वाईफाई कनेक्शन को लेके, आपका जो भी यहाँ पे पार्टनर रहेगा उसके साथ जो है वाईफाई कनेक्शन यानी हॉटस्पॉट कनेक्शन करोगे उसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। एंड नेक्स्ट है स्मार्ट लॉक, अगर आप अपने डिवाइस में इस्तेमाल करोगे सो उसमें भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, जैसे सही से स्मार्ट लॉक यूज आप नहीं कर पाओगे। ओके, एंड दूसरा है मल्टीपल स्क्रीन, अगर आप इस्तेमाल करोगे उसमें भी आपको काफी ज्यादा इरिटेटेड जो है देखने को मिल जाएगा, क्योंकि उसमें भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। एंड दूसरा है कि अगर आप अपने डिवाइस को किसी भी यहाँ पे पीसी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं सो उसमें डिस्कनेक्ट का प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकता है। ओके, या फिर कभी पकड़ रहा है, कभी भी यहाँ पे कोई भी सिग्नल आपको शो अप नहीं हो सकता है। एंड नेक्स्ट है यहाँ पे आपको जो है फोटोज वीडियोज पे आपको जैसे ही क्लिक करोगे देखने के लिए उसमें आपको ब्लैक ब्लैक करके हो सकता है कि देखने को मिल जाए। जो यहाँ पे इश्यूज जो बता रहा हूँ ये कंपनी का दावा है कि ये सब जो प्रॉब्लम आपके डिवाइस में हो सकता है। ओके, जरूरी नहीं कि होगा ही, लेकिन हो सकता है। नेक्स्ट है कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन अगर आप यूज करोगे उसमें भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। सो ये था वन प्लस 12 के अंदर ये प्रॉब्लम। अब यहाँ पे देख लेते हैं वन प्लस ओपन के अंदर क्या प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। इसमें भी आपको ढेरों सारा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि वाईफाई हो गया, ब्लूटूथ कनेक्शन हो गया, मल्टीपल स्क्रीन हो गया, यहाँ पे पीसी से कोई भी डिवाइस आप अगर कनेक्ट करते हैं उसमें आपको प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे ब्लूटूथ के लेके मिल जाएगा, एंड कैमरा को लेके, फोन का गैलरी है, एंड सिस्टम क्लीनर करके एक जो सेटिंग्स देखने को मिलता था उसमें भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, मल्टीपल स्क्रीन आप सही से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, एंड ब्राइटनेस को लेके आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। इसी तरह से काफी सारा आपको प्रॉब्लम जो है देखने को मिल जाएगा। ओके, अगर आप इस न्यू अपडेट को अपने डिवाइस में इंस्टॉल करते हैं सो ये अपडेट जो है यहाँ पे अगर बात करें इसको कितना जीबी का रहेगा, 4 जीबी का ये अपडेट जो है होने वाला है।
4GB अगर आप दोगे तभी इस अपडेट को आप कम्प्लीटली अपने डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हैं। एक बात और भी क्लियर कर दूं, ये जो प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है ये है वन प्लस 15 बीटा के अंदर, बीटा वन करके आपको देखने को मिलेगा। जो ऑफिशियल वर्जन है वो अभी रिलीज नहीं होगा, जो बीटा वर्जन है बीटा वन टू इस तरह से ये सब कंप्लीट होगा, उसके बाद ही आपको जो है ऑफिशियल वर्जन देखने को मिलेगा। सो अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं सो इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके सो गाइस आई होप कि आप समझ चुके हैं, इसी तरह से ढेरों सारा जो है प्रॉब्लम आपका सामना आपको करना पड़ सकता है। मेरा फर्ज बनता था कि आपको यहाँ पे बताऊं, क्योंकि आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे वीडियोस देख रहे हैं, सो आपको हर एक सही गाइड करना मेरा कर्तव्य है। सो इसलिए कह रहा हूँ कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना है, यहाँ पे हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहता है। सो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पे एक लाइक करके जरूर जाना।